नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 16 अक्टूबर, आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 9 नवंबर को मनाया जाएगा गुरु नानक देव जी की जयंती। बिहार के सासाराम जिले में इस साल 9 नवंबर को गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में सिख ऑफ सासाराम के सदस्यों सरदार कमलजीत सिंह एवं सरदार रविंद्र सिंह ने बताया कि इस अवसर पर जाने माने सिख हस्तियों का भी आगमन के साथ साथ इस कार्यक्रम में गुरुवाणी की जाने माने गायक भाई जयमाल सिंह और गुरमीत कौर शब्द गुरुवाणी की प्रस्तुति करेंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिमरनजीत सिंह, सरबजीत सिंह, सरदार जगमीत सिंह, संदीप सिंह रागी, सुमित सिंह, सोनल सिंह, इंद्रदीप सिंह सेजवाल, जसविंदर सिंह जस्सी अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। अंतर जिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है किशनगंज में। बिहार राज्य अंतर जिला विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किशनगंज में किया जा रहा है। शुभारंभ से पहले प्रतियोगिता का तेरापंथ भवन में किशनगंज के जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा और पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले बजरंगबली की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मेडल देकर किया गया सम्मानित। भोजपुर में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। अंडर 19 में 55 किलोग्राम वर्ग में पटना की संजना ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं बेगूसराय की तोफा सिल्वर मेडल और गोपालगंज की अश्विनी पांडे ब्रॉन्ज मेडल जीता। 59 किलोग्राम कैटेगरी में बेगूसराय की आकांक्षा कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पटना की आयुषी कश्यप ने सिल्वर मेडल और शेखपुरा की शिवानी धनलक्ष्मी और लखीसराय की लीली कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। पटना जल जमाव में 45 कर्मियों पर गिरी गाज। हाल ही में भारी बारिश के कारण बिगड़े हालात ने प्रशासन और नगर निगम दोनों की सच्चाई सामने ला दी। पटना में जल जमाव की स्थिति को देखते हुए सरकार अब लापरवाह कर्मियों को बख्शने के विचार में नहीं दिख रही है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया था, जिसके पश्चात सरकार ने नालों की सफाई, सम्प हाउस के रखरखाव और अन्य तरह की लापरवाही बरतने वाले पटना नगर निगम के बुड़कों के लगभग 45 इंजीनियरों और कर्मियों पर गाज गिराया। नाथनगर में तेजस्वी यादव ने किया रोड शो। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां जोर शोर से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने मैदान में उतर गई हैं। इसी के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नाथनगर रोड शो करने पहुंचे। आपको बता दें, तेजस्वी यादव उम्मीदवार राबिया खातून के पक्ष में प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। रोड शो के दौरान तेजस्वी श्रीरामपुर, गोसाईदासपुर, हरिदासपुर बाईपास होते हुए भतौरिया पहुंचे, जहां से वो जगदीशपुर बलुआचा की ओर निकल गए। ज्ञात हो, रोड शो के दौरान गोसाईदासपुर से तेजस्वी ने चुनावी सभा भी की। बीपीएससी परीक्षा पहली ही अटेम्प्ट में कर लिया क्लियर। बीपीएससी 63वीं परीक्षा के परिणाम की घोषणा हो चुकी है। लगभग 807 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। इनमें खगड़िया जिला के रहने वाले अमूल्य रतन ने अपने पहले ही प्रयास में 7वां रैंक प्राप्त किया है। अमूल्य रतन के पिता गंगाधर यादव सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त सहायक रह चुके हैं। आपको बता दें, अमूल्य ने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की है। अमूल्य ने 2016-17 में यूपीएससी का इंटरव्यू भी फेस किया था। जल्द होने वाले उपचुनाव में मतदाताओं की चुप्पी से परेशान है प्रत्याशी। आगामी विधानसभा चुनाव में किशनगंज क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार बन रहे हैं। जहां एक ओर कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा और AIMIM एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में 8 प्रत्याशी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मतदाताओं की चुप्पी ने सभी प्रत्याशियों को असमंजस में डाल रखा है। इसीलिए आने वाले चुनाव में जीत किसके पाले में जाती है, यह कहना मुश्किल लग रहा है। जल जमाव के बाद होश में आई राज्य सरकार। बारिश के बाद डूबे पटना को देखकर राज्य सरकार की आंखें खुल गई हैं। नगर निगम और बुडको की लापरवाही के कारण लगभग 10 दिनों तक पानी में फंसे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सरकार अहम कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत बुडको के 11 इंजीनियरों और नगर निगम के 2 कार्यपालक पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर उनके वेतन पर रोक लगा दी गई है। सभी कर्मियों को 7 दिनों के अंदर जवाब देना है। 15 नवंबर को जारी की जाएगी नई मतदाता सूची। चुनाव आयोग द्वारा बढ़ाए गए निर्धारित समय के बाद अब राज्य की नई मतदाता सूची 15 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें, आयोग ने पहले 15 अक्टूबर का समय तय किया था। इस दौरान मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम वेरीफाई करने का मौका मिल जाएगा। वहीं राज्य के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 20 जनवरी को किया जाएगा। ज्ञात हो, मतदाता सूची के अनुसार 2019 में राज्य के 7,60,03,778 मतदाता हैं। गोपालगंज के 3 छात्रों को मिला युवा गौरव सम्मान। दिल्ली के आयोजित राष्ट्रीय युवा कॉन्फ्रेंस में बिहार के गोपालगंज जिले के 3 छात्रों को राष्ट्रीय युवा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। गोपालगंज के एकडेरवा निवासी पीयूष कुमार, बनौरा निवासी विवेक कुमार और शंकरपुर गांव की पल्लवी को यह सम्मान मिला।
जिला परिषद सदस्य रविरंजन कुमार के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तीनों छात्र देश के कई बड़े हस्तियों के हाथों सम्मान पाकर काफी खुश हैं। पटना में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का हुआ आगाज। पटना के ज्ञान भवन में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि राज्य में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। यहां के लोग पर्यावरण के प्रति गंभीर नहीं है। अश्विनी चौबे पर युवक ने फेंकी स्याही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे पीएमसीएच दौरा करने पहुंचे थे। इसी बीच गुस्सा एक युवक ने अश्विनी चौबे पर स्याही फेंक दी। ज्ञात हो युवक ने चौबे के साथ साथ उनकी गाड़ी पर भी स्याही फेंकी। कड़ी सुरक्षा के बावजूद पहले यह वाकया हुआ और उसके पश्चात भागने में भी कामयाब हो गया, जिसके बाद कयास लगने शुरू हो गए कि शायद स्याही फेंकने वाला जाप पार्टी का कोई कार्यकर्ता था। पानी निकासी के बाद पटरी पर लौटा आम जनजीवन। बाढ़ के कारण मुंगेर स्थित चंडिका स्थान में जल जमाव के कारण मंदिर में पूजा पाठ बंद हो गया था, मगर गंगा के किनारे स्थित प्रसिद्ध चंडिका स्थान में करीब एक महीने बाद रौनक लौट आई है। चंडिका मंदिर का पट खुलते ही मां के दर्शन को श्रद्धालु काफी तादाद में उमड़ पड़े। मंदिर में रौनक लौटने से इलाका एक बार फिर गुलजार हो गया है। बिहार में मॉनसून ने ली रुखसती। अक्टूबर महीने तक बारिश का प्रकोप बिहार में देखने को मिला। हाल ही में हुए बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अब मॉनसून ने बिहार से रुखसती ले ली है। वहीं दिन का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। आरआरबी एनटीपीसी के पहले चरण की सीबीटी परीक्षा हुई स्थगित। आरआरबी एनटीपीसी के पहले चरण की सीबीटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि सीईएन 01/2019 एनटीपीसी पदों के लिए परीक्षा, जो कि जून और सितंबर में शेड्यूल हो गई थी, अब स्थगित कर दी गई है और नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक नए तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें, इस परीक्षा में 1,26,00,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन भरा था। आधार कार्ड से जुड़ी परेशानियां अब एक फोन कॉल में होगी दूर। लोग अब अपना आधार कार्ड बनवाने या उसमें कोई सुधार लाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यह अपॉइंटमेंट राजधानी के आधार सेवा केंद्र से मुफ्त फोन नंबर 1947 के माध्यम से कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा शहर में यह सेवा केंद्र अभी सिर्फ साई टावर न्यू डाक बंगला रोड पर शुरू किया गया है। आपको बता दें, यह आधार सेवा केंद्र बिहार का पहला सेवा केंद्र है और देश में 10वें स्थान पर आता है। ज्ञात हो, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ask.uidai.gov पर जाकर बुक किया जा सकता है। चाय बेचने वाले की बेटी बनी मेक्सिको की राजदूत। विभिन्न राज्यों से निकलकर कई बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परचम फहराया। उनमें से एक है बिहार के सारण जिले की निकी, जिसे एक दिन का मेक्सिको की राजदूत बनाया गया था। जिसके बाद निकी ने कहा कि राजनेता या अधिकारी चाहे तो बहुत ही कम दिनों में देश व समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। संकल्प यात्रा पर निकले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने की स्वच्छता की अपील। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड से संकल्प पद यात्रा का शुभारंभ किया है। यात्रा शुरू करने से पहले नित्यानंद राय ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर हम सबको चलना चाहिए, साथ ही साथ हमें बापू के स्वच्छता के सपने को भी साकार करने पर काम करना चाहिए। पाटलिपुत्र यशवंतपुर एक्सप्रेस में अब होंगे 24 कोच। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन संख्या 22351-22352 पाटलिपुत्र यशवंतपुर एक्सप्रेस में 18 अक्टूबर से जनरल कैटेगरी का एक और डिब्बा जोड़ा जाएगा। इस ट्रेन में अब सेकेंड एसी के 3, थर्ड एसी के 5, स्लीपर क्लास के 8, जनरल कैटेगरी के 5 और एसएलआर के 2 कोच, यानी कि कुल 24 कोच हो जाएंगे। बिहार विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सुशील मोदी पहुंचे बेलहर। आगामी उपचुनाव को लेकर पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। चुनाव के मद्देनजर हर कोई अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहा है। ऐसे में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी बांका जिले के बेलहर क्षेत्र में रोड शो करने पहुंचे। आपको बता दें, सुशील मोदी राजग के उम्मीदवार जदयू प्रत्याशी लालधारी यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे। रोड शो के दौरान सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए गठबंधन अटूट है, जबकि विपक्षी महागठबंधन बिखर रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार बिहार की 8वीं बार हार। विजय हजारे वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार 8वीं बार बिहार के निराशाजनक प्रदर्शन से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बाकी खेलों में काफी अच्छा रहा है, जो कि बिहार के लिए भविष्य में खेलने के और जीतने के अवसर को बढ़ा सकता है। प्रशिक्षण शिविर के लिए बिहार बॉक्सिंग टीम की घोषणा हुई। बिहार बॉक्सिंग ओपन
चयन प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें 14 जिलों से 138 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला खेल अधिकारी प्रमोद यादव ने बताया कि बेहतर प्रदर्शन के आधार पर अंडर 14, 17 और 19 के बालक और बालिका वर्ग की टीम का गठन किया गया है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 15 दिन पहले पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार टीम के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर की खादी फिर बिखेर रही अपना चमक। मुजफ्फरपुर की सूती खादी जम्मू कश्मीर से लेकर कई प्रदेशों में प्रसिद्ध है। लंबे वक्त से मुजफ्फरपुर का खादी बाजार अपनी चमक धमक खो चुका था। मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग संघ एक बार फिर वस्त्र उत्पादन के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम करने में कामयाब हो रहा है। मुजफ्फरपुर की खादी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पसंद की जा रही है। लालू के समधी ने किया राजद की सदस्यता अभियान से किनारा। राष्ट्रीय जनता दल के हाल में चल रहे सदस्यता अभियान में पार्टी के हर विधायक को 1200 सक्रिय सदस्य बनाने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन 3 विधायकों ने इस अभियान का बहिष्कार कर एक भी सक्रिय सदस्य नहीं बनाए। राजद को झटका तब लगा जब परसा के विधायक और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय का नाम भी शामिल था। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बहू ऐश्वर्या के बीच सब कुछ ठीक ठाक न चलने की वजह से दोनों परिवारों में काफी दूरियां आ गई हैं। समीक्षा बैठक में न बुलाए जाने पर नाराज सांसदों से नीतीश ने कही ये बात। पटना में बारिश के बाद हुए जलजमाव और उससे निजात के उपायों की समीक्षा के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें पटना के विधायकों और सांसदों ने इस बैठक में शामिल नहीं किया गया था। न बुलाए जाने पर नाराज विधायकों ने सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें हम अलग से बुलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।